लाल कुआ के बागजरा गांव में हाथियों ने धान की कई एकड़ फसल पैरों तले रोड डाली। किसानों ने वन विभाग से हाथियों पर रोक लगाने फसल मुआवजे की मांग की है। हाथियों द्वारा कई एकड़ फसल धान की खराब होने के बाद गांव के जूनियर हाई स्कूल दोनों तरफ की दीवारें भी तोड़ डाली है। बच्चों को स्कूल में इन हाथियों का खतरा सता रहा। दीवार टूटने से स्कूल में रखे सामान की चोरी की संभावना भी बढ़ रही। नैनीताल कांग्रेस SP विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल ने खराब हुई धान की फसल जायजा लेते हुए सरकार से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की मांग की। प्राइम बी की न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। रात की बात है और 8 से करीब 9 बजा था तो हाथी यहाँ पहुँच चुका था, जिससे फसल तो नुकसान हुआ ही लेकिन जान माल का काफ़ी खतरा रहा और घर के समीप और हाथी पहुंच चुका था, जिससे कि गांव वाले काफ़ी भयभीत हो चुके थे। और रात में हमने जंगलात विभाग को भी फ़ोन किया तो वो लोग आए और फिर 2 से 3 बार उन्होंने गश्ती दी, लेकिन फिर भी हाथी ने आतंक मचाना नहीं छोड़ा। और सुबह फिर 2:30 बजे आने के बाद फिर फसल रोक दी गई। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस बाउंड्री को फिर दोबारा वैसे ही बना दी जाए। और स्कूल है, स्कूल के पीछे जंगल है जहाँ से चोरी का भी खतरा बढ़ जाता है और हाथी ने वो दीवार तोड़ दी है, तो उस दीवार को समय से बना दिया जाए जिससे कि चोरी का भी खतरा कम हो सके। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी किसान की फसल बर्बाद हुई है उसको उचित मुआवजा दिया जाए जिससे कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। हम बागजला गाँव है, इसमें जो स्कूल है एक हमारे जूनियर हाई स्कूल है इसमें हो गया, और इस क्षेत्र में जितने भी काश्तकार हैं हमारे यहाँ पूरा हाथी का आतंक चल रहा है लगातार, लेकिन जो हमारे किसानों की जो फसल है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और कल तो लगातार ऐसा आतंक रहा कि उसमें हमारे जो भाई लोग थे, जो किसान लोग थे, उन्होंने मतलब वन विभाग को भी अवगत कराया कि यहाँ लगातार ये हमारे जो फसल है हाथी आ गया है, जिसमें कि उसमें एक चीज़ और डर लग रहा था कि जनहानि का भी डर लग रहा था, लेकिन वो भगवान की कृपा से कि वो जनहानि नहीं हो पाई, लेकिन फसल बहुत नुकसान हो गया। मैं ये मांग करूँगा प्रशासन से किसी भी तरीके से जो गरीब लोग हैं और जो किसान हैं, एक तो ऐसी पहले से ही किसान आपने पानी हानि की उससे फसल नहीं उगा पाया, जैसे ही वो एक फसल उगा रहा तो ये हाथी के द्वारा उनका मतलब नुकसान हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन ने किसी भी तरीके से इनके नुकसान की भरपाई हो और इनके मुआवजा दिए और किसान जो ताकि अपने बच्चे को पालन पोषण कर सके। और रहा सवाल हमारे स्कूल का, स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की जो बाउंड्री दीवार है स्कूल की वो टूट दी गई है, लेकिन एक जंगल के एरिया होने के नाते से चोरी चकारी का भी डर लगा रहता है, और उसको भी मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि तुरंत वो दीवार बन जाए और यहाँ सोलिंग जो होती है जो यहाँ पर तार लगाया जाए, जो दीवार जो टूट गई है उसको तुरंत बना दी जाए, यही।